उधर पन्ना में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश, हिंदू लोगों को ईसाई बनाने का षड्यंत्र का खुलासा यहां पर हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था, चमत्कारी वीडियो से लोगों को इकट्ठा किया जाता था और फिर उनको लालच दिया जाता था और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र पन्ना में चलाया जा रहा था, जिससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में और तीनों से ही पूछताछ करवाई जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लालच देते थे ये लोग और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराते थे, चमत्कारी वीडियो दिखाते थे, लोगों को बरगलाते थे, लोगों को अपने साथ लेते थे और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। तो पन्ना में यह धर्मांतरण के षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। सुबह सूचना मिलती कार्यकर्ताओं द्वारा कि ये अपना अमलाहट है, गांव थाना क्षेत्र धर्मपुर में, तो वहां पे ईसाई धर्म परिवर्तन वाला कार्यक्रम चल रहा था जो कि सभा लगी हुई थी। तो कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली कि लगभग 70 से 80 लोग हैं, जिसमें कि अपन ने भी ऊपर बात की, प्रांत में बात की, जिले में बात की, सभी लोगों से संघ में भी बात की, सभी लोग जाके पहुंचे। कुछ कार्यकर्ता पहले पहुंच गए थे, पुलिस को भी सूचना दी गई थी। तो जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे वो तीन लोग थे, उन तीनों लोगों को पुलिस पकड़ के थाने ले आई है, उन पे कार्रवाई चल रही है। तो दो तीन लोग मिले हैं, एक का नाम है राम सिंह रोज, पिता राम किशोर रोज, 40 वर्ष निवासी खोरा का है, और एक करण सिंह रोज है, पिता राम किशोर रोज, 30 वर्ष का है, चंपतपुर का है। बेटा लाल रोज, राम विशाल रोज, पिता का नाम है, और अमिलहट गांव का। ये तीनों लोगों को धर्म पूछताछ चल रही है। ये बता रहे हैं कि मैं भजन कीर्तन कर रहा था और अवरोध की जो भी जानकारियां हैं करते करता करते इनके खिलाफ जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो पन्ना में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि ये लोग लोगों को लालच दिया करते थे और चमत्कारी वीडियोस दिखाते थे और चमत्कारी वीडियोस दिखाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था और फिर उनको लालच दिया जाता था, जिसके बाद फिर धर्म परिवर्तन करवा देते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ये खुलासा होगा कि आखिर कितने लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है, कितने लोगों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है। ये कुछ दस्तावेज हैं जो बरामद किए गए हैं पुलिस की तरफ से और